हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साईराम सौम्या। तो अभी मैं ये जो वीडियो दिखा रही हूँ, ये पहले का वीडियो है। मतलब अभी मैंने पिछली बार शेयर किया था मेथी मलाई पनीर वाला में, तो वही सब्जी है। तो मैंने सब्जी बना के दिखाया था और अभी मैं बच्चे को खिलाऊंगी। वो छोटी छोटी सी क्लिपिंग है जो मैंने इसमें डाला है। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाबू को मैं खिला रही हूँ खाना, ये रात का डिनर कर रही है बाबू। तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिपिंग निकाली थी कि देखिए बच्चे खाते हैं इस तरह की सब्जी, आप बनाइएगा तो टेस्टी लगता है, खाने में अच्छा लगता है, तभी बच्चे खाएंगे, नहीं अदरवाइज बच्चे साग को हाथ तक नहीं लगाते हैं। तो अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है, और पूरी के साथ तो और अच्छा लगता है। मैंने इसे रोटी, घी वाली रोटी के साथ खिलाई है बाबू को खाना। तो चलिए पहले मैं इसे खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो अच्छा लगता है सब्जी, एक बार बना के देखिएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। और ये हमारा खाना है, प्याज इसके साथ रहता है तो और अच्छा लगता है। तो प्याज वाला सलाद खाइए और इस तरह की सब्जी खाइए, बटर रोटी या फिर नान के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने सिंपल रोटी बनाई है अपने लिए। और ये कल की क्लिपिंग है, गुरु नानक जयंती के एक दिन पहले क्लिपिंग है। इसमें मैंने मटर पुलाव बनाया है और एग करी बनाया है, बहुत ही टेस्टी, यम्मी टेस्टी था। और प्याज और मूली है, बस ये खाना है। और मैं जैसे छोटी छोटी क्लिपिंग मैंने जोड़ जोड़ के बनाई हुई है। ये आज की क्लिपिंग है, बाबू बाबू को नाश्ता भूख दो लगी है। नाश्ता दो बोल रही है। तो आज गुरु नानक जयंती के दिन मैं बना रही हूँ पूड़ी, और बनाया था मैंने हलवा और आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा एंजॉय किए हुए हम लोग, थोड़ा सा बाबू राइम्स पर डांस कर रही है अपना, राइमिंग पे, जॉनी जॉनी वगैरह पे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों बच्चों को जैम के साथ पूड़ी खानी थी, तो दोनों को जैम के साथ दे दिया मैंने, और हम लोग सब्जी के साथ खाएंगे, जो आलू गोभी का सब्जी बना हुआ है उसी के साथ खाएंगे। और हम लोग का लंच भी वही हो जाएगा, मतलब सब्जी वही रहेगा, दाल चावल बनाएंगे हम लोग बस। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं और मिलती हूँ शाम में, और आप भी खाना खा लीजिएगा, सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी खा लीजिएगा। तो आलू गोभी मटर की सब्जी मैंने शेयर किया हुआ, और इसमें आलू गोभी मटर और सोयाबीन डला हुआ है, और देखने में आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रहा था। तो आज का लंच यही है, सब्जी, और ब्रेकफास्ट में भी हम लोगों ने यही खा लिया, बच्चों ने जैम के साथ खाया है पूरी। और अभी बाबू खा पी के राइम्स पे डांस करेगी, तो चलिए देखते हैं। कैसे हो आप सब? वो बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का समय है और मेरी एक्सरसाइज चल रही है,
तो समय जो है ना बिल्कुल भी नहीं मिलता कि फिर आप लोग से बातें कर सकूं। और ये देखिए ठंडी में मैंने कंबल वगैरह ओढ़ रखे हैं, बच्चे उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ इसके साथ, तो मुझे ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह करना। और आज मैंने चाय नहीं अभी तक पिया, शाम में ग्रीन टी ले लिया था उसके बाद नहीं पिया, और हाथ में दर्द है इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जो वीडियो मेरी बनी हुई थी थोड़ी थोड़ी करके वो मैंने इसमें ऐड किया है, और आप देख सकते हैं मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ। आज एक चोटी किया है मैंने और कल मैं हेयर ऑयल करूँगी, देखते हैं। तो आज जैसे हूँ वैसे ही हूँ। और ठंडी बहुत हो गई है, ठंडी मतलब पहले से थोड़ा कम लग रहा है। और आज है हमारे बनारस में देव दीपावली, तो देव दीपावली का और गुरु नानक जयंती का आप सबको बहुत 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 बधाई। और मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं वेल मेंटेन होकर रह पाती क्योंकि मुझे काम धाम करते करते समय हो जाता है, फिर उतना आप चीज करने में मुझे बहुत असकत लगता है, मतलब मुश्किल आलस 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 आता है कि मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। अपने भी मेरा बहुत दर्द है इस हाथ में, पता नहीं कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा रहता है। और ये देखिए मैंने ये मोड़ लिया ऐसे, क्योंकि काम करती हूँ ना तो फिर यहाँ भीग जाता है, तो मैं इससे बाँह को खींच लेती हूँ। और आज मैंने वीडियोस की जो क्लिपिंग है ना, जो मैंने मेथी मलाई पनीर बनाई थी उसमें का जब हम लोग खा रहे बस बनाते हुए मैंने दिखाया था, वीडियो शेयर किया हुआ खाना का मतलब सब्जी का, उसके बाद जो हम लोग खा रहे उसके वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई थी। मैं बताना चाह रही थी बच्चों को अच्छी लग रही है तो आप भी बना सकते हैं, तो उसका थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिपिंग है। फिर आज लंच का है और फिर सुबह ब्रेकफास्ट का है, यही सब छोटी छोटी सी क्लिपिंग है, आपको खाते पीते ही दिखेंगे हम लोग, उसके बाद लास्ट में इंजॉय करते दिखेंगे। तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है, इस हाथ में जो है ना बहुत दर्द है। देखिए मैं भी आराम कर रही हूँ, मैंने चाय भी अभी तक नहीं पिया है और इस हाथ में एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि मेरा ये आप लोग जानते हैं कि मेरी फिंगर कट गई थी, तो टेंडन कट जो होता है वो कट गया है मेरा, तो उसके कारण ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से एक्सरसाइज मेरी चल रही है और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा मार्च। अब एक एक रेसिपी जो है वो एक खाना जो लंच का जो है वो कल का है, मैंने पुलाव बनाया था मटर पुलाव और एग करी बनाया था मैंने कल, आज का नहीं है वो कल का ही है। मैं सोचिए गुरु नानक जयंती दिन हम लोग खा रहे तो वो कल का है। तो चलिए वीडियो का यही पे एंड करते हैं, रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम सबका भला करेंगे, सो बाय एंड टेक केयर। और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। खैर आज का वीडियो तो बिल्कुल ही